तैयार कराया है, ये गंगा आरती संपन्न हुई। अब मुख्यमंत्री जो है डायरेक्शन देते हुए अपने अधिकारियों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को सीएम डायरेक्शन दे रहे हैं और डायरेक्शन दे करके बता रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद भी इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नीतीश कुमार ने खुद भी करी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार समझते हैं जो चीजें कंस्ट्रक्शन की होती हैं उसको नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं, तो नीतीश कुमार उसको समझते हुए अपने लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं किस तरह से पिलर जो है, देखिए अभी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ पिलर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ पिलर को कैसे जो है और बेहतर तेजी से पूरा किया गया, पिलर का काम पूरा किया गया है, साथ ही साथ जो है यहाँ की कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो उसका काम कैसे किया गया। अभी इंजीनियरिंग चीफ जो विभाग के हैं, अभियंता प्रमुख जिनको कहते हैं, उनको मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अभियंता प्रमुख जो है वो किस तरह से पूरे काम को आगे कराएं। इरिगेशन का देखिए, इरिगेशन बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है क्योंकि बिहार का अधिकांश हिस्सा जो है अक्सर बाढ़ और सुखार से जूझता रहता है। एक दफे एक इलाके में बाढ़ होती है, एक दफे एक इलाके में सुखार की स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इरिगेशन डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो जल का जो प्रबंधन है वो बेहतर करे, जो सिंचाई विभाग के माध्यम से जो डैम्स हैं उनको प्रबंधन बेहतर ढंग से करे, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री को डायरेक्शन दे रहे हैं अभियंता प्रमुख को। अभियंता प्रमुख यानी इंजीनियर इन चीफ इनको कहा जाता है, इसको खुद डायरेक्शन दे रहे हैं सीएम और डायरेक्शन दे करके मुख्यमंत्री आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम समझाते हुए कि किस तरह से और जो चैनल्स हैं उसको बेहतर बनाया जा सकता है, चैनल्स यानी जो स्टेयर्स हैं तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, हरिद्वार के तर्ज पर इसको कैसे पूरे इलाके को पिचिंग किया जा सकता है, अपलोडिंग किया जा सकता है, ये सब मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सभी का अपडेट ये है कि वैदिक तरीकों से पूजा अर्चना के बाद सीएम इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब सीएम आगे की ओर बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री, और आगे बढ़ के मुख्यमंत्री जाएंगे वहां जो बोर्ड है सिमरिया धाम का, जो पूरा का पूरा बोर्ड बनाया गया है जिस बोर्ड में ये लगा है कि सिमरिया धाम किस ढंग से कंस्ट्रक्ट होगा, कैसे सिमरिया धाम को डेवलप करने की चीजें होंगी, तो उसको सीएम देखते हुए और सीएम उसको देख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस का भी जो दौर है वो भी जारी है, इंस्ट्रक्शंस भी प्रॉपर दिए जा रहे हैं कि कैसे जो है बेहतर काम और किया जा सके, ये तस्वीरें हैं। अभी यहाँ देखिए सिमरिया घाट में एक एंगल ये भी है कि यहाँ जो पुल है, ब्रिज है, उसको दो पैरेलल ब्रिज भी बनाया जा रहा है, एक पैरेलल ब्रिज बनाया जा रहा है सड़क के लिए, एक बनाया जा रहा है ट्रेन यातायात के लिए, और एक दोनों के लिए कॉमन बनाया जा रहा है, दोनों के लिए कॉमन बनाया जा रहा है, तो उसमें ये है कि दोनों के बन जाने से जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो जाएगी। और देखिए तीसरा एंगल इसके अंदर ये है कि सिमरिया घाट जो है ये बहुत ऐतिहासिक तौर पर भी इसका वर्णन और उल्लेख रहा है, तो इसको लेकर राज्य सरकार नहीं चाहती कि कैसे भी सिमरिया घाट के डेवलपमेंट को रोका जाए, उसको देर किया जाए क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, तो ऐसी स्थिति में सीएम जो है अपने स्तर से जो मैक्सिमम दिशा निर्देश दे सकते हैं वो देते हुए, अब देखिए वो खत्म, वो सेशन खत्म हुआ, विजय चौधरी के साथ मुख्यमंत्री जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने दोबारा अभियंता प्रमुख को बुलाया है और बुला करके मुख्यमंत्री उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे करके उनको जो प्रॉपर गाइडलाइंस है वो दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री का अभी तकरीबन यहाँ 40 मिनट का और कार्यक्रम रहेगा, 40 मिनट में मुख्यमंत्री जो है मंच पे जाएंगे और मंच पे जाके कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे क्योंकि ऐसा है कि जो कार्यक्रम है उसमें आम लोग भी आए हैं अटेंड करने के लिए, तो सीएम यहाँ जब बैठ पे जाएंगे तो बताएंगे कि क्या क्या इस इलाके के लिए चलाया जा रहा है। ये अभी तकरीबन 40 मिनट पूरा प्रोग्राम और चलेगा, आपके समय टेलीविजन स्क्रीन पर आवाजें आ रही होंगी किस तरह से आरती की जा रही है, आरती अभी भी जारी है, आरती का काम अभी भी जारी है और देखिए सीएम एक एक चीज को माइन्यूटली समझ रहे हैं, एक एक चीज को माइन्यूटली देख रहे हैं कि क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है। इसके लिए उनके साथ साथ जो है इरिगेशन विभाग के जो सचिव है संजय अग्रवाल वो मौजूद है, संजय झा है, मुख्यमंत्री एक एक चीज को बारीकी से सुनते और समझते हुए, मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए सीएम ने, सीएम की तरफ से जो कहा जा रहा है वो मूल रूप से ये है कि इस इलाके में जो स्टेयर्स की व्यवस्था होनी है, जो सीढ़ियों की व्यवस्था होनी है उसको प्रॉपर किया जाए, ताकि अभी सीएम इंस्ट्रक्शन देते हुए
लेकिन हम तो भाई चाहते अगले कल पास तक है ना, डेढ़ साल जल्दी आपको जितना करना होता है उनको लगवाइए ना। बाढ़ का समय से 8 महीना थोड़ा काम नहीं था, बढ़वा का समय तो ठीक है 4 महीना तो आगे हो जाएगा। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर विचार विमर्श बातचीत कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। चूंकि निर्माण स्थल पर भूमि पूजन किया गया, खुद वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए और साथ ही आप कह सकते हैं कि जो चर्चा है, जो डिस्कशन है वो किया जा रहा है किस तरीके से काम को पूरा करना है और ऐसे में निर्देश देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, बेगूसराय से ये लाइव तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर बातचीत का सिलसिला सीएम नीतीश कुमार का देखने को मिल रहा है और अब कार्यक्रम मंच पर भी सीएम नीतीश कुमार कुछ देर में और आपको थोड़ा पैसा का जरूरत पड़ेगा तो लेकिन तेजी से कराइए। लेकिन हम पिछली बार भी कह दिए थे कि संस्कार वाले का भी जाने का रास्ता बात करना, काफी बड़ी संख्या में नॉर्थ बिहार का खाली लोकल नहीं अभी देखिए नहीं कहाँ का डेथ हुआ था कहाँ तो हम लोगों ने सही पता चला था पटना से आके वहाँ नहीं आया। कितना बार हम आए करता है बाल बाल सब बड़ा महत्वपूर्ण जगह भी कर दीजिए। एक सर डीएम साहब का है सर मंत्री जी आज में तो अच्छा हो जाएगा 3 किलोमीटर वाले से डेढ़ ये सर जो यहाँ उतरते हैं सर उतर के हम लोग आए बहुत सकना रास्ता था सर सरकारी जगह गवर्नमेंट से क्लिक कर देंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो आने। अरे आप कर ना लीजिए दिक्कत का है नहीं, यहाँ से उतर के जाएगा तो क्या दिक्कत नहीं करिए ना, जो खर्चा होगा हम लोग करें 13 करोड़ में ठीक है घर से लोग नीचे उतरे कम से कम समय में ना आ जाएगा हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए जो भी खर्चा होगा वो हम दे रहे हैं लेकिन आप जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कीजिए। बबलू 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 यही बोलते थे सर, कैसा रहा सर आज शिलान्यास? नहीं हो सकता और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि लोगों को दिक्कत ना बना के वही संख्या में आते हैं वही सोच करके और आ करके देख करके हम लोग को कह दिया अब वहाँ पर नया बन रहा जान ही रहे इसके पैरल तो इसी के बीच का जो हिस्सा है इसी में एक इस तरह से करके जाएगा यहाँ से वहाँ और भारी संख्या में लोगों को सुविधा होगी इसलिए जगह के बारे में आ करके देख के हम लोगों ने कह दिया और जो होता है शमशान का भी उसके लिए भी संस्कार वाला अंतिम संस्कार उसका भी रास्ता ठीक रहे ताकि लोग बड़ी संख्या में लोग आते हैं खाली लोकल नहीं मेरे पूरे इलाका जगह के। तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए और जो भी खर्चा होगा जो भी लागत लगेगी उसके लिए यहाँ पर राज्य सरकार बैठी हुई है। साथ ही वो निरीक्षण करते हुए भी दिखाई दिए, जायजा ले रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो किस तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा उसका भी यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार ने जिक्र किया और लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने भूमि पूजन की यहाँ पर, उसके बाद निरीक्षण किया, जायजा लिया और साथ ही बातचीत करते हुए नजर आए। अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। तो आपको बता दें कि शुभारंभ यहां पर किया गया सीएम नीतीश कुमार की ओर से, जहां वो चर्चा करते हुए नजर आए, बातचीत उन्होंने की, यहाँ पर अधिकारी को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। सौंदर्यीकरण को लेकर भी वो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि राज्य सरकार है जो इस पूरे खर्चे को उठाएगी लेकिन जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। तो आपको बता दें जानकी पौड़ी का सिमरिया घाट पर निर्माण और जल्द से जल्द काम को पूरा करने का आदेश सीएम नीतीश कुमार की ओर से और उन्होंने
इसका शुभारंभ कर दिया है जल संसाधन।